क्रिकोमेडी का एपिसोड नंबर 71 आ गया। अच्छा लग रहा है देख के अरसलान वापस कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहे हैं। वीडियो का टाइटल है कोहली एंड बाबर इन वन टीम, एक साथ दोनों एक टीम में, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड 500 स्कोर, ये किसने तोड़ा है, ये किसने बनाया है, चलो देखते हैं। हैरवी गो। सुना है कि कोई और भी सीरीज होने जा रही है, मेरा ख्याल में नेक्स्ट ईयर मिड में हो रही है, जिसके अंदर अफ्रीका वर्सेस एशिया की जो टीम्स है वो खेलेंगे। उसके अंदर ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो मिलकर खेला करेंगे, यानी कि कोहली और बाबर एक ही टीम में होंगे खेलते हुए। मुझे वैसे होगा अगर ऐसा हो भी गया तो इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई इंडियन भी जो है वो बी टीम के प्लेयर्स होंगे और शायद पाकिस्तानी, आई डोंट नो, अगर इस तरह हुआ तो हमारे भी कोई टॉप के प्लेयर्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर, बट हो भी सकता है क्योंकि अब जो ये सारा बिजनेस की गेम हो चुकी है तो बिजनेस के अंदर तो मेरे ख्याल में इस उनकी पॉलिटिक्स वैसे भी नहीं आनी चाहिए। लोग अगर देखना चाह रहे हैं, वो एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तानी इंडियन सबको मिलकर खेलना चाहिए, आपस में खेलना चाहिए, क्योंकि ये पूरी क्रिकेट के लिए बेहतर है, दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है, बोर्ड्स के लिए बेहतर है, पैसे कमाओ यार। वैसे साउथ अफ्रीका की ऐसी पता नहीं कौन सी टीम बनाएंगे जो कि पाकिस्तान और इंडिया की जो मिक्स टीम होगी उसके साथ खेलेगी और जीत जाएगी। अगर ये दोनों एक ही टीम होती हैं तो यार मेरा तो नहीं ख्याल है कि कोई भी दुनिया की जो टीम होती है वो उनके सामने कहीं भी एग्जिस्ट कर रही होती, क्योंकि इतना ज़्यादा टैलेंट है इन दोनों मुल्कों के अंदर कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऑल टाइम ग्रेट आपकी वेस्ट इंडीज़ उठा लें, ऑस्ट्रेलिया उठा लें, मेरे ख्याल में उस लेवल पर नहीं पहुँच सकती अगर इन दोनों टीम को आप मिक्स करके कोई एक पूल बनाते हैं। वैसे अगर ये एक टीम होती भी तो आई एम श्योर कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड के अंदर इतनी करप्शन होती है कि टैलेंटेड लोग तो फिर भी ऊपर नहीं आते, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो काफ़ी हद तक लल्लू ही ऊपर आ रहे होते हैं, जो कि टीम का हाल यही होता है, गोरे हम पर हुक्मरानी ही कर रहे होते फिर। सच में अगर बाबर और कोहली एक मैच में आ जाए, ईआरपी के रिकॉर्ड्स को आरआईपी बोलना पड़ेगा फिर, आरआईपी टीआरपी आरआईपी, क्योंकि यार ये इतने बड़े प्लेयर्स हैं, ऊपर से इंडिया और पाकिस्तान के जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिकेट फैंस पाए जाते हैं, मतलब तो फिर तो बोर्ड्स भी अच्छा पैसा कमाएंगे, बोर्ड्स भी अच्छा पैसा कमाएगी, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज भी अच्छा पैसा कमाएगी, बिजनेस के हिसाब से इसको लेना चाहिए और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए यार, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान देखते, पूरी वर्ल्ड देखती है। पहले तो ये है कि यहाँ इंडिया और पाकिस्तान की जनता बहुत देखेगी, लेकिन यहाँ पूरी दुनिया इंडिया पाकिस्तान के मैच पर नजर गड़े, एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मुकाबला और एक इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, कोई नहीं छोड़ता है भाई। इंग्लैंड को अजीब किस्म की नस्वार खा के बैठा हुआ, दो दिन पहले उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर जो हरकत की थी उसको T20 की तरह खेला है, आज उन्होंने जो ODI उसको भी T20 की तरह खेला है, कुछ छक्के मारे टेस्ट मैच में, क्या मारे जिससे मारे को 498 मतलब 500 रन होने वाले, 500 ठोक दिए, मतलब वीडियो गेम्स के अंदर भी कभी ऐसी इस किस्म की इनिंग्स नहीं मैंने देखी थी, इसके अंदर ऐसे छक्के पे छक्का चल रहा होगा, ऐसे बेचारे नेदरलैंड्स वाले को मुंह दिखाने के लायक नहीं, मोहल्ले में निगर रहे लोग उनके मुंह के ऊपर थू थू कर रहे हैं। आपस की बात है कि नेदरलैंड्स वाले जो है इससे पहले भी 440 रन खा चुके हैं, 2006 के अंदर श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने इस किस्म की बॉलिंग की थी, उसके अंदर इन्होंने 440 रन खाए थे, बट उस वक्त जो है ये न्यूजीलैंड के जो बॉलर थे ये बेचारे बहुत ही छोटे छोटे थे, अब ये जवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, वो होता है ना एक बंदा होता है जो मार खा रहा था, कहता और मारो मुझे, तुम लोग क्या समझते, बस इतना ही दम था, आंखों में आंसू होते हैं, कहते और मारो, उनको पता है कि कुछ कर तो नहीं सकते, बस मार खा करके अपनी टफनेस शो कर रहे होते हैं, वो हाल हुआ था हमारे बॉलर्स का। नहीं ये प्लेयर्स जो है ये झाड़ियों के अंदर कुछ सूसू वूसू नहीं कर रहे, ये बेचारे बॉलर ढूंढ रहे हैं, एक तो इनको मारा इतने ऊपर से इनको मार दिया इंग्लैंड वालों ने, उधर भेजने के जाओ जाके बॉल भी पकड़ के लेके आओ, मतलब नाली के अंदर जब बॉल गिरती है तो जब जाती है तो बैट्समैन कम अज कम खुद तो लेके आता है ना, वो भी नहीं उन्होंने किया, नालियों में फेंक गया बॉल के लेके आओ, वैसे तो किसी बात को कि यार 500 रन्स पूरे नहीं हुए, मैं कब से देख रहा था, मैं ये कह रहा था कि यार बस 500 हो जाने किसी तरह, लेकिन 500 नहीं हो सके। और आप यकीन करें कि ऐसा भी कोई मौका आता है क्रिकेट में कि अगर बैट्समैन चौका मारे तो जो क्राउड है ना वो बू कर रहा हो, वो इसलिए क्योंकि उनको पता था कि 498 पे अब होगा अगर लास्ट बॉल पे उन्होंने छक्का भी मार दिया, तो चौका पड़ने के ऊपर लगातार चल रही थी कि नहीं चौका नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ छक्का ही चाहिए यार, ये भी दिन देख लेते। इंग्लैंड वाले ये भी नहीं कि किसी और का रिकॉर्ड तोड़ रहे होते, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, पहले भी जो दो रिकॉर्ड है इन्हीं की ही है, इंग्लैंड वालों की। मैं वैसे आपस की बात है बड़ा ही खुश था कि वो जो हमें पड़ी थी ना 440 वाली वो कहीं तीसरे नंबर पर आए, थोड़ा पीछे गए क्योंकि वो भी बड़ा ऊपर ऊपर ही था, शुक्र है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने जो है नेदरलैंड्स भी आ गए तो थोड़ा ऊपर हो गए और रिकॉर्ड भी, वरना हमारी जो दुनिया की बेस्ट फास्टेस्ट बॉलिंग जो अटैक उसने ही बड़ी खाई थी उन दिनों में, क्या ही वो भी दिन थे यार, वैसे जो भी इनके होम ग्राउंड पे जाता था ना ये पागल हो जाते थे। किसी बंदे को उसकी माँ की दुआएं लगी ना तो वो है मेरा डिविली, मतलब आज उसकी फास्टेस्ट जो हाफ सेंचुरी थी वो भी एक बॉल से बची है और जो फास्टेस्ट 150 था वो भी एक बॉल से बची है, पता नहीं उसकी अम्मा ने कौन सी दुआएं मांगी थी, दोनों रिकॉर्ड बच गए उसके। भाई मैच के बीच में एक मौका ये भी आया था जिसके अंदर कोई 26 बॉलों के ऊपर 100 रन हुए थे, आप अब जरा इसके ऊपर गौर करें कि जो अफरीदी ने वो जो एक पागलों वाली इनिंग्स खेली थी जो कि अभी तक समझ नहीं आती कि वो किस तरह की इनिंग्स थी, 37 बॉल्स के ऊपर वो फास्टेस्ट सेंचुरी हुआ करती थी एक जमाने के अंदर, और 37 बॉल्स कहाँ पर है और ये 26 बॉल्स आप देखें कि 26 बॉलों के ऊपर ये टीम की हुई थी,
26 बॉल के ऊपर 100 रन, तीन बैटर्स जो थे उन्होंने 100 मारे, एक ने तो खैर 150 मारा हुआ था, दूसरे ने भी जो है वो फास्टेस्ट 50 पे ही पहुंच गया था, वो बंदा भी जो है क्या लिविंग स्टोन है, क्या नाम है बंदे का, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर ये जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो इंग्लिश प्लेयर्स होते हैं इनके नाम कौन रखते हैं, इनके माँ बाप जो है वो तो अंग्रेजी में कम अज कम उनको तो पता है कि अंग्रेजी क्या है, फिर भी अजीब किस्म के नाम इनके होते हैं, कोई ब्रॉड है, कोई कुक है, कोई लिविंगस्टोन है, लिविंगस्टन है, लिविंगस्टोन जो भी है, पता नहीं जिंदा पत्थर, बटलर, पता नहीं मतलब इनके बाप क्या सोच के नाम रखते हैं, बट सिर्फ आपको ये इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश टीम के अंदर ऐसे नाम मिलेंगे। इन बेचारे प्लेयर्स का क्या बचपन गुजरा होगा यार, इनको तो बचपन में मेरा ख्याल में बहुत बुली हुआ करते होंगे, तभी जो है ये गुस्से में आकर क्रिकेट पे अपना कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। वो लिविंगस्टोन साहब जो है उन्होंने फास्टेस्ट 50 मारने लगे थे, उसने भी कोई 2-3 बॉलें डॉट्स करा दी थी, वो मार वो फिर भी रहा था, ये आज कन्फर्म टूटने लगा था फास्टेस्ट 50 का भी रिकॉर्ड, लेकिन बस वो बच गया, किस तरह बचा है मुझे खुद नहीं समझ आई। उसको भी पता था वो 50 मार के भी जो ना बैट को मार रहा था कि यार मुझे पता है कि मेरा रिकॉर्ड बनना था, लेकिन पागल तो बटलर हुआ पता है यार, कोई 160 रन बनाए हैं, पता नहीं कोई 60 एक बॉलर के ऊपर रन बनाए हैं यार, कोई तमीज होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ऐसे आपने नोट किया कि इंग्लैंड यहाँ पे ओडीआई खेल रहा है, वहां पे न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर जो इंडिया की टीम है वो साउथ अफ्रीका के साथ खेल रही है, और वो की फ्लाई भी कर गई है उनकी टेस्ट टीम जो है इंग्लैंड के साथ खेलने के लिए, तो हर जगह जो है वो दो दो टीमें मर मर के हमारी कोई एक टीम जो है वो बनी थी और मजा आना शुरू हुआ, तो हर मुल्क के पास दो दो टीमें होना शुरू हो गई यार, ये हमारी किस्मत ही बनी है। मेरे ख्याल में यही फ्यूचर है, जितनी क्रिकेट हो रही है तो मेरे ख्याल में दो दो टीमें बनानी पड़ेंगी सबको, क्योंकि दो दो जगहों पर एक साथ ही मैचेस चल रहे होंगे। उससे मुझे लग रहा है कि मेरा जो अक्कू है उसका जरूर चांस तो है T20 टीम के अंदर घुसने का। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो है साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ और इंडिया फिर जीत गया, और जो फिर उनको जो है से पकड़ के निचोड़ा है साउथ अफ्रीका वालों को, और जो सबसे बड़ी जो इनिंग्स खेली है वो मेरे कार्तिक ने खेली है। ये बंदा पता नहीं यार, वो जो इंडिया का सबसे पहला T20 मैच था उसके अंदर भी ये खेल रहा था, उसके अंदर भी ये मौजूद थे, जिंदा थे, और अभी भी ये खेल रहे हैं। और खैर लोग बड़ा कह रहे हैं कि यार बड़ी उम्र में और बड़ी कमबैक की है और इस तरह की चीज़ें की यार, 37 साल उम्र है, 37 साल में तो हमारे की बैट्समैन को थोड़ी समझ में जानी शुरू होती, हमारे तो इतने ज़्यादा बैट्समैन थे जो कि 42, 43, 45 तक खेलते रहे, मतलब उनकी 42 एज तो बुक्स के अंदर थी ना, पेपरों के ऊपर थी, असली एज उनकी 45-46 ही होगी, वो भी खेलते रहे हमारी टीम, हमें तो आदत थी, हमारी तो एवरेज एज ही ये चल रही होती थी बैट्समैन की। अरे कार्तिक जो है ये तो भी पिछले दिनों पता नहीं कॉमेंट्री भी कर रहा था, इसका तो लिखा हुआ आ रहा होता था नीचे के यार इसकी पता नहीं 2018 तक खेला है, देखो उसने कमबैक कर लिया, क्या मैं क्या, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई नेवल बदल ही नहीं होता, पिच बहुत ही मुश्किल थी, मैं पहले जब देख रहा था ये मैच तो मैं यही कह रहा था कि यार ये पिच बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने जिस तरह खेला है इस इनिंग्स को वो नजर आ रहा था कि भाई वो एक्सपीरियंस की वजह से ही खेल रहा है और उसी की वजह से ही लोग जीते हैं। साथ ही साथ पांडू जो मेरा दोस्त है वो भी उस समय आ गया, उसने भी कुछ 40 रन बनाए और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। खैर ये मासूम कार्तिक जो है इसके ऊपर मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा था, क्योंकि ये मासूम तब विकेट कीपर आया जब धोनी विकेट कीपर था, और धोनी के टाइम के ऊपर ये बेचारा यही वेट करता रहा कब इसका कोई बुरा पैच शुरू होगा, कब इसकी फॉर्म खत्म होगी तो मेरी टीम के अंदर जगह बन जाएगी, वो तो कभी होना नहीं था, क्योंकि धोनी की तो मेरा ख्याल में फॉर्म जो है वो अभी भी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी है, एंड के अंदर आके उसकी बेचारी की वो जो मैच फिनिश करने वाली एबिलिटी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल में कैप्टनसी के बेस के ऊपर उसकी अभी भी इंडियन टीम के अंदर जगह बनती। उसी से मुझे याद है कि कैप्टनसी के बेस पर बंदा खेल रहे हैं तो वो साउथ अफ्रीका का कैप्टन है यार, ये क्या बनता है, ये है क्या बंदा, एक तो यार इसने इतने बड़े बड़े वो डायपर पहने हुए होते हैं, पीछे से इतना फूला हुआ होता है, और ये बैटिंग क्या कर रहा है, पता नहीं T20 के अंदर आके यार तू पावर प्ले के अंदर आके हमेशा तूने जो है वो सारा मोमेंटम जो है वो ऑपोजिशन को दे दिया होता है, क्योंकि तूने प्रॉपर जो है वो ओडीआई वाली इनिंग्स खेलनी है, ऊपर से तूने फिर आउट भी हो जाना है, तो बंदा का चलो एंड में जाके कोई बड़ा मार मार के इसने जो है वो तुरा मार देना, सारे मैचेस में ये स्ट्रगल कर रहा है, इस बंदे की टीम में जगह नहीं है, लेकिन कैप्टनसी की वजह से ये बंदा जो है वो टीम के अंदर है। हमें भी आदत थी, ऐसे बहुत से हमारे कैप्टन गुजरे हैं पिछले कुछ सालों में जो कि सिर्फ कैप्टनसी की बेस के ऊपर टीम के अंदर थे, वरना उनमें कुछ भी नहीं था। अब देखते हैं लास्ट मैच जो है कौन जीतेगा, मतलब दो दो की बराबरी हो गई, अब लास्ट मैच जो जीतेगा उसकी सीरीज होगी ना। जब हम दो मैच हारे थे तब भी हमने वीडियो प्रेडिक्शन दिया था, तब भी हमने कहा था कि अब अगले दो मैच तो इंडिया को जीतना ही जीतना और जीतेगी, और जीत भाई जीत गया, क्योंकि हमको पता है इंडिया में कैपेबिलिटी है, कल लास्ट भी जीतेगी और किस तरह से जीता है वो तो सबको पता ही है, बिल्कुल ऑल आउट, मतलब सोचो यार ऑल आउट कर करके जीत रहे हैं हम, बिल्कुल साथ में इंग्लैंड भी खतरनाक टीम है यार, 500 रन, बट 2 रन से पीछे थे यार, हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है तो क्रिकेट फिर भी हिस्ट्री तो क्रिएट है, खुद के रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी लगातार टॉप 3 में इंग्लैंड, ये मतलब तीनों में दो बार तो खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है और एक बार किसी का श्रीलंका का शायद रिकॉर्ड तोड़ता है, तो तीन रिकॉर्ड तोड़े, क्या होता है आगे आप बताओ, आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, मिलते अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।